75 साल 26 राज्य कोई सीएम वो नहीं कर पाया जो योगी ने करके दिखाया। कर दिया ऐसा काम, पाकिस्तान भी कर रहा सलाम। अब योगी का वो दाव काम आएगा, पाकिस्तान भारत में आकर राम मंदिर बनवाएगा। योगी का ये कारनामा इतिहास में लिखा जाएगा। योगी का गुणगान कर रहे हैं दुनिया के 151 देश। अब ये देश वो कदम उठाएंगे, योगी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बनाएंगे। क्या योगी मोदी से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे? जैसे ही पूरा होगा राम मंदिर का काम, दुनिया करेगी योगी को सलाम। जी, योगी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान भी योगी का गुणगान करेगा। जिस काम को आजादी के लगभग 75 साल तक कोई पीएम भी नहीं कर पाया, न ही कोई सीएम कर पाया, अब उस काम को योगी करने वाले हैं। जिसके बाद योगी भारत के इतिहास के सबसे बड़े और ताकतवर नेता बन जाएंगे। और योगी के इस कदम के बाद दुनिया के 151 देश योगी के काम का गुणगान गाएंगे। दरअसल ये तो आपको पता ही है कि देश में हर शख्स इस वक्त अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा होने की बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा है। योगी राज में राम मंदिर निर्माण का काम बड़ी रफ्तार से किया जा रहा है। मंदिर के पहले फेज का काम खत्म करने की समय सीमा दिसंबर 2023 है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 के बाद जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इसी बात को देखते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन इस मंदिर के लिए योगी एक बड़ा काम करने वाले है। खबर है कि आने वाली 23 अप्रैल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया के 155 देशों की नदियों के पानी से भगवान रामलला की मूर्ति का भव्य जलाभिषेक करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले विजय जौली और उनकी टीम भगवान रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक करने के लिए दुनिया के अलग महाद्वीपों से 155 देशों में बहने वाली नदियों का पानी योगी को सुपुर्द करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस जल कलश में पाकिस्तान की रावी नदी का भी जल शामिल है। चंपत राय ने बताया कि 23 अप्रैल को जल कलश की पूजा अयोध्या के मनीराम दास छावनी ऑडिटोरियम में होगी। इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 155 देशों का जल लाने वाले विजय जौली और उनकी टीम भी मौजूद होगी, जल कलश की पूजा करेंगे। खास बात यह है कि इस जल कलश पर उस हर देश का झंडा और उस नदी के नाम का स्टिकर लगा होगा जहां से जल लिया गया है। बता दें कि समारोह में देश के दिग्गज नेताओं के साथ ही कई और देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। लेकिन इस कलश में पाकिस्तान की नदी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल पाकिस्तान में बह रही नदियों का जल डायरेक्ट भारत में नहीं लाया गया, बल्कि पाकिस्तान की नदियों का जल वहां रहने वाले हिंदुओं के द्वारा भेजा गया है। वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के भाइयों ने पहले नदी से जल लेकर दुबई भेजा और फिर दुबई से ये जल दिल्ली लाया गया। बता दें कि इस जल कलश में सूरीनाम, चीन, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, कनाडा और तिब्बत सहित कई अन्य देशों की नदियों का जल है, जिसके बाद इस जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। कुल मिलाकर राम मंदिर का ये जलाभिषेक भव्य होने वाला है। जिस वक्त योगी भगवान राम का जलाभिषेक करेंगे, दुनिया के कई बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। जब वो योगी की इस ताकत को देखेंगे तो पूरी दुनिया को योगी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तो आपका योगी के इस कदम पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में योगी मोदी से भी ज्यादा ताकतवर नेता बन जाएंगे और दुनिया योगी की ताकत को सलाम करेगी? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें।